हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। सो गाइस, वीडियो के टाइटल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी प्रोडक्ट एमटीज। गाइस, प्रोडक्ट जब आप लेते हो, उसे 3-4 बार यूज़ करते हो, 5-6 बार यूज़ करते हो, उसके बाद उसका रिव्यू देना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। एंड जब प्रोडक्ट एमटी हो जाए उसके बाद उसका रिव्यू देना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बिकॉज आपने प्रॉपरली प्रोडक्ट को यूज़ करा है, इतने टाइम तक उसको ख़त्म करा है। तो हो सकता है कि जब आपने इसे 3-4 बार यूज़ करा हो एंड जब आपने कम्प्लीटली फिनिश कर लिया हो किसी प्रोडक्ट को, तो हो सकता है कि आपके व्यूज़ में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हों। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि प्रोडक्ट एमटीज़ एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इससे क्लियर पिक्चर मिल जाती है वेदर हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वैसे गाइज, मेरे पास ना एक पूरा कार्टन भर के प्रोडक्ट एमटीज़ पड़े हुए हैं एंड मैं सोच रही हूँ उन्हें धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रिव्यू करूँ। तो आज मैं कुछ आपके साथ इतने प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ। वैसे ये काफ़ी कम ही है एज़ कम्पेयर टू वॉट आई हैव, लाइक मेरे पास लिटरली एक पूरा कार्टन और एक हाफ कार्टन पड़ा हुआ है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी प्रोडक्ट्स हैं जो कि कूड़े की तरह मेरे घर में पड़ा हुआ है। एंड यस, मैं जल्द से जल्द उनको भी रिव्यू करूँगी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, बिकॉज एक वीडियो में बैठ के तो रिव्यू करना इज़ लाइक अ वेरी बिग टास्क फॉर मी। तो चलो गाइस, फर्स्ट प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आई हैव दिस परफ्यूम स्प्रे एंड दिस इज़ फ्रॉम एंगेज, दिस इज़ अ वेरी फेमस वन और ये है इसका W1 वाला, ठीक है। एंड देख ही सकते हो आप, मैंने इसे कम्प्लीटली फिनिश कर दिया बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। प्राइस भी इसका काफ़ी अफोर्डेबल रहता है, लाइक 225 का रहता है। एंड मेरे पास काफ़ी सारे परफ्यूम्स हैं, तो कोई एक परफ्यूम फिनिश करना इज़ अ वेरी बिग टास्क फॉर मी। तो इसमें जो नोट्स हैं ना, वो है ऑरेंज, पीच, लिली, बेसिकली सिट्रसी फ्रेग्रेंस है ये। तो इफ़ यू आर समवन हूज़ इनटू सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस, देन यू कैन ट्राई दिस। आप देख सकते हो पूरा ख़त्म हो चुका है। नाउ फाइनली, मुझे ये वीडियो करके इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि फाइनली मैं इन प्रोडक्ट्स को अब थ्रो कर सकती हूँ, डस्टबिन में डाल सकती हूँ, क्योंकि ऐसे पड़े रहते हैं ना प्रोडक्ट्स आसपास, तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, ऐसा लगता है जल्द से जल्द इन्हें बस फेंक दो। द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इज़ दिस प्राइमर फ्रॉम इनसाइट। बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है ये इनसाइट का एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एवर प्राइमर। जब फर्स्ट मैंने अपना स्टार्टिंग करा था मेकअप का, तो मेरा यही था, मतलब यही ट्यूब थी। तो इसको फाइनली मैंने फिनिश कर लिया है एंड वैसे तो काफ़ी टाइम से फिनिश कर लिया, बट रखा हुआ है अभी मेरे पास काफ़ी टाइम से। एंड काफ़ी अच्छा सिलिकोनी प्राइमर है ये। अभी मैं इसका टेक्सचर वगैरह तो आपको नहीं दिखा सकती हूँ बिकॉज बिल्कुल पूरा ख़त्म हो चुका है एंड इस पर पूरी धूल डस्ट भी जम चुकी है। यस, इतना पुराना हो गया ये। अगर इफ़ यू आर समवन विद ऑयली स्किन टाइप, देन आप डेफिनेटली इसको खरीदो। काफ़ी अच्छे से पोर्स को आपके फिल इन कर देगा एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग तो कर ही देता है मेकअप को, जिसके लिए हम बेसिकली प्राइमर यूज़ करते हैं। सिलिकन बेस्ड प्राइमर है तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से पोर्स को ब्लर आउट कर देगा, एक क्लियर कैनवास दे देगा, स्किन को स्मूथ कर देगा। तो मुझे तो पर्सनली सिलिकन प्राइमर्स ही ज़्यादा अच्छा लगता है यूज़ करना, सिलिकन बेस्ड, बिकॉज वो पोर फिलिंग होते हैं। बाकी हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग प्राइमर्स आई डोंट प्रीफर दैट मच बिकॉज आई हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन एंड ओपन पोर्स भी हैं, तो ऐसे प्राइमर्स मेरे लिए अच्छे से वर्क कर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हर किसी के एमटीज़ में होता ही होता है और मेरे एमटी में भी है, तो वो है गार्नियर माइसेलर वाटर और इसके मैंने 2 बॉटल्स ख़त्म कर दिए। ये तो मतलब मेरा बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज़ होता है ये प्रोडक्ट, सिंस मैं इतना ज़्यादा मेकअप करती हूँ तो ये चीज़ मुझे चाहिए होती है और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। एंड दिस इज़ माय एब्सोल्यूट फेवरेट। बायोडर्मा का भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट सिंस ये थोड़ा उससे अफोर्डेबल साइड में पड़ता है, थोड़ा नहीं काफ़ी अफोर्डेबल पड़ता है उससे, तो इसलिए आई प्रेफर गेटिंग दिस वन ओनली। एंड ये तो मैं मतलब हमेशा यूज़ करती रहूँगी जब तक मैं मेकअप करूँगी तब तक। और जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो यही है गार्नियर का, ऑयल इन्फ्यूज वाला है। तो मुझे पर्सनली ये वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज़ ये ऐसा कहते हैं कि वाटरप्रूफ मेकअप को भी रिमूव कर देता है, बट आई थिंक ये भी वाटरप्रूफ मेकअप को अच्छे से रिमूव कर देता है। तो मुझे इसकी ऐसा कोई नीड नहीं लगती इसको अलग से यूज़ करने की। दो इट्स अ गुड प्रोडक्ट, बट अगर मुझे इन दोनों में से चूज़ करना हो तो मैं यही वाला करूँगी। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो है डॉट एन की का एक्ने डिफेंस ग्रीन क्ले मास्क। एंड यस, इसकी कुछ ऐसी हालत हो चुकी है बिकॉज इसका ऊपर का जो ढक्कन था वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया है और ऐसे में 2 बॉटल्स ख़त्म कर चुकी है। इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है कि दिस इज़ माय एब्सोल्यूट फेवरेट फेस मास्क। मुझे यूजुअली फेस मास्क ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं बिकॉज वो एक्ने मुझे और पिंपल्स हो जाते हैं उससे। नाउ दिस सेज दैट दिस इज़ एक्ने डिफेंस फेस मास्क, ठीक है, नॉर्मली है, मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि इसको यूज़ करने के बाद मेरे एक्ने वगैरह गायब हो गए, बट काफ़ी अच्छे से स्किन को प्योरीफाई और क्लीन कर देता है, इसलिए आई लाइक दिस वन। नेक्स्ट आई हैव दिस ऑयल फ्री जेल मॉइस्चराइजर फ्रॉम पिलग्रिम, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर था
एंड इसमें फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने इसको उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा है। मैंने अपने पापा को दे दिया था यूज़ करने को, बट या दिस इज़ अ ग्रेट मॉइस्चराइजर विद ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, बट अगर आपको फ्रेग्रेंस से एलर्जी है तो फिर आप मत यूज़ करना। वैसे भी पर्सनली मुझे जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर उतने ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मैं यूज़ कर लेती हूँ समर्स में। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो एक प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन है वो एक क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर ही हमें अच्छे से दे सकता है। दिस इज़ माई पर्सनल थिंकिंग और मेरी स्किन टाइप पर वैसे ही वर्क करती हैं चीज़ें। नेक्स्ट आई हैव ओल्डी गोल्डी सनस्क्रीन फ्रॉम न्यूट्रोजिना। सो इसका ये वाला ट्यूब भी खत्म हो चुका है और ये वाला भी खत्म हो चुका है, एंड आई गेस मैंने इसके 4-5 ट्यूब्स और ख़त्म करे हुए हैं। सनस्क्रीन मुझे पहले तो अच्छी लगती थी, जब तक मुझे और अल्टरनेटिव्स नहीं मिले अच्छे सनस्क्रीन के तब तक ये मुझे अच्छी लगती थी, बट जैसे जैसे मैंने इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा दाने उठने लग गए इसको यूज़ करने के बाद, एंड इसका मुझे टेक्स्चर भी बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगा था। दो सब लोग यही कह के इसको सजेस्ट करते हैं कि ये बहुत ही नॉन ऑयली नॉन ग्रीजी सनस्क्रीन है, बट मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि काफ़ी ऑयली एंड ग्रीजी सनस्क्रीन है ये। समर्स में जब हमें पसीना होता है, स्वेटिंग होती है, तो बहुत ही ज़्यादा ये अजीब अजीब से वाइट पैचेस छोड़ देती है स्किन में, विच आई डोंट लाइक एट ऑल। तो अब मैं इसे रिपर्चेस तो नहीं करूँगी बिकॉज आई हैव फाउंड अनदर गुड सनस्क्रीन। एंड ऑफकोर्स गाइज, जो हमारे फेवरेट प्रोडक्ट्स रहते हैं वो चेंज भी होते रहते हैं। लाइक पहले मुझे सनस्क्रीन अच्छी लगती थी, बट अभी मैं एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, तो दैट इज़ माई फेवरेट। नेक्स्ट आई हैव दिस मॉम्स को का विटामिन सी फेस वॉश। आई डोंट नो, इसकी भी मैंने कितनी सारी ट्यूब्स ख़त्म कर दी हैं, आई गेस 4-5 तो कर ही दी हैं। काफ़ी अच्छा फेस वॉश है, सिट्रसी ऑरेंजी इसमें फ्रेग्रेंस है, काफ़ी अच्छे से स्किन को क्लीन कर देता है, डस्ट एंड डर्ट को रिमूव कर देता है, तो अच्छा लगता है मुझे फेस वॉश, एंड दिस इज़ अ गुड वन, यू कैन गेट दिस वन। ये आपको फ्री में भी मिल सकता है, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लीव कर दूँ। नेक्स्ट आई हैव दिस अंडर आई क्रीम फ्रॉम द मॉम्स को, एंड ये कुछ इस तरीके से इसका मैकेनिज्म है, इस तरह से आप पंप आउट करते हो ना तो प्रोडक्ट निकलता है। अभी डेफिनेटली नहीं निकलेगा बिकॉज ये पूरा एम्प्टी हो चुका है, तो इसको भी मैंने काफ़ी यूज़ करा है। अभी मैं इसका सेकेंड ये वाला टब यूज़ कर रही हूँ ट्यूब, तो अच्छी है सनस्क्रीन। दिस सेज दैट इट रिड्यूसेस डार्क सर्कल्स, पफीनेस एंड फाइन लाइन्स। तो डार्क सर्कल्स का मैं नहीं कह सकती बिकॉज मेरे हो जाते हैं डार्क सर्कल्स अगर मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ, मेरी नींद नहीं हो पाती है, तो फिर क्रीम लगाने के बाद भी गाइज कोई फर्क नहीं पड़ता टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हाँ ये पफीनेस को रिड्यूस कर देता है, तो मुझे इससे अच्छी लगती है ये। एंड यस, मुझे जैसे कि मैंने आपको कहा कि आई प्रेफर क्रीम्स ओवर जेल्स, तो देखा होगा आपने कि अंडर आई जो रहते हैं प्रोडक्ट्स वो यूजुअली जेल फॉर्म में आते हैं, बट ये क्रीम फॉर्म में, इसलिए मुझे इसको लगाना अच्छा लगता है, एंड इट वर्क्स गुड फॉर मी। जब समर्स रहते हैं ना तो मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ और उसके बाद लगाती हूँ, बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा मस्त इफेक्ट आता है और पफीनेस भी सारी चली जाती है। नेक्स्ट आई हैव फ्यू टोनर्स फ्रॉम प्लम, और ये ग्रीन टी टोनर है, फेवरेट है मेरा टोनर। इसका मुझे एक डिसएडवांटेज ये लगता है, मतलब ऑफकोर्स टोनर इज बेस्ट, एल्कोहल फ्री है, एंड ग्रीन टी टोनर है, मुझे काफ़ी अच्छे से सूट करता है मेरी स्किन टाइप को, पीएच बैलेंस अच्छे से करके रखता है स्किन का। बट जो एक इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये ऐसे कैप के साथ आता है, राइट। इसकी आप बड़ी ट्यूब भी देखोगे ना तो वो भी ऐसे ही कुछ कैप के साथ आती है, सो आई डोंट लाइक दैट थिंग बिकॉज आई प्रेफर स्प्रे वाले टोनर्स ओवर दिस कैप वाले, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उससे एप्लीकेशन अच्छा हो जाता है, ईजी हो जाता है, क्विक हो जाता है, इसलिए दैट्स व्हाई आई प्रेफर दैट। बस यही चीज़ मुझे इसकी अच्छी नहीं लगती, अदरवाइज इट्स लाइक माई फेवरेट प्रोडक्ट अगेन। ओके गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव दीज फेस वॉशेज फ्रॉम ऑर्गेनिक हार्वेस्ट, और ये है इनके नीम फेस वॉश, देख सकते हो आप, 3 बॉटल्स मैंने ख़त्म कर चुकी है। इसके अलावा मैंने इसके 2 बिग बिग ट्यूब्स भी ख़त्म कर चुके हैं, दैट्स हाउ मच आई लव दिस वन। मैंने आई गेस अपनी पिछली 10-12 वीडियो में बोल दिया होगा कि आई लव ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का ये वाला फेस वॉश बिकॉज इट्स रियली गुड नीम है, तो मेरी स्किन टाइप को काफ़ी अच्छे से सूट करता है बिकॉज आई हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, काफ़ी अच्छे से स्किन को क्लीन कर देता है एंड विदाउट मेकिंग इट ड्राई ऑफ कोर्स, एंड या डर्ट डस्ट सब कुछ इम्प्योरिटीज हटा देता है, तो इससे ज़्यादा हमें और क्या ही चाहिए एक फेस वॉश से, राइट। सो यस गाइज, दैट्स इट, ये थे मेरे कुछ एम्प्टी प्रोडक्ट्स, और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आऊँ आपके साथ शेयर करूँ, रिव्यू करूँ उनका, देन डू लेट मी नो, आई वुड लव टू डू दैट। दैट्स इट गाइज, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर। एंड हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।